दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है लोटस आयुर्वेदा इंडिया में। चीनी, नमक और सैचुरेटेड और ट्रांसफैट वजन बढ़ने की सबसे बड़ी वजह है। सब्जियां फाइटोन्यूट्रिएंट्स और एंटीऑक्सीडेंट से भरे होते हैं। एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर आहार उम्र बढ़ाने की गति को धीमा कर देते हैं। अत्यधिक चीनी, नमक और सैचुरेटेड और ट्रांसफैट कुछ सब्जियां निगेटिव कैलोरी फूड होती हैं, जिसका अर्थ है इन्हें पचाने से शरीर को और अधिक कैलोरी की जरूरत पड़ती है। ये इस बात का संकेत है कि आप इस तरह के फूड लेंगे तो आपका वजन नहीं बढ़ेगा। इसके अतिरिक्त सब्जियां फाइबर से भरपूर होती हैं, जो आपको अधिक समय तक भरा रखती है और रक्त शर्करा के स्तर को भी नियंत्रित रखती है। यदि आप कम कैलोरी वाले आहार ले रहे हैं और हेल्दी तरीके से वजन घटाने में त्वरित परिणाम प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप अपने शरीर में कुछ इन लो कैलोरी वाली सब्जियों को शामिल कर सकते हैं। ब्रोकोली सबसे पसंदीदा कम कैलोरी वाली सब्जियों में से एक है। ब्रोकोली ब्रोकोली का उपयोग शाकाहारी भोजन में बहुत ज्यादा मात्रा में किया जाता है। यह मीट प्रोटीन के साथ भी परोसा जाता है। क्रूसीफेर कूल की सब्जियां कैलोरी में बहुत ही कम होती हैं और इसमें प्रति 100 ग्राम 34 कैलोरी होती हैं। साथ ही इसमें विटामिन सी और डाइट्री फाइबर की उच्च मात्रा होती है। इसके अलावा फूल गोभी और पत्ता गोभी कम कैलोरी वाली सब्जियां हैं, जिन्हें आप अपने आहार में शामिल कर सकते हैं। खीरा खीरे में ज्यादातर पानी होता है और यह आपके आहार में जोड़ने के लिए सबसे कम कैलोरी वाली सब्जियों में से एक है। इसके 100 ग्राम भाग में 15 कैलोरी होती है और इसे सलाद या सैंडविच के रूप में आसानी से अपने आहार में शामिल किया जा सकता है। इसमें पोटेशियम की भी अच्छी मात्रा होती है और गर्मियों के दौरान सेवन के लिए विशेष रूप से स्वस्थ है। गाजर गाजर एक निगेटिव कैलोरी फूड है। गाजर को एक सुपर फूड माना जाता है और इसे सब्जी से सूप से लेकर हलवे, बर्फी आदि तक किसी भी चीज में और सभी चीजों में बदल दिया जा सकता है। इसे कच्चा या सलाद के रूप में भी शामिल किया जा सकता है। इसमें प्रति 100 ग्राम में केवल 41 कैलोरी होती है। इसमें विटामिन ए और पोटेशियम की अच्छी मात्रा के साथ साथ फाइबर की अच्छी मात्रा के साथ वसा और कोलेस्ट्रॉल नगण्य होते हैं। लौकी लौकी एक भारतीय पसंदीदा सब्जियों में से एक है, जो अविश्वसनीय रूप से कैलोरी में कम है और पानी की मात्रा अधिक है। इसमें प्रति 100 ग्राम केवल 15 कैलोरी होती है। कोई वसा या कोलेस्ट्रॉल नहीं होता, साथ ही साथ सोडियम सामग्री नगण्य होती है। मशरूम मशरूम तकनीकी रूप से एक कवक है, लेकिन इन्हें सब्जियों के तरीके से पकाया और खाया जाता है और इसे बेहद पौष्टिक माना जाता है। मशरूम में प्रत्येक 100 ग्राम भाग में 22 कैलोरी होती है। साथ ही इसमें पोटेशियम की बहुत अच्छी मात्रा होती है, जो दिल की रक्षा के लिए अच्छा खनिज है। मशरूम में फाइबर की मात्रा भी अच्छी होती है, जो वजन कम करने में मदद करती है। तो अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए लोटस आयुर्वेदा इंडिया।